अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट गायनेकोलॉजिकल टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं जो कि मोस्ट प्रॉब्ली गायनेकोलॉजिकल प्रैक्टिस में हर गायनेकोलॉजिस्ट को बहुत ही कॉमनली फेस्ड चीज़ है, और वो है फाइब्रॉइड्स या रहम में रसौलियों का होना। अच्छा, अब ये बहुत ही कॉमन चीज़ है और बहुत ही कॉमनली आपके पास इसके पेशेंट्स आते हैं, और सबसे पहले वो यही सवाल करते हैं कि डॉक्टर साहब ये क्या चीज़ है और क्या ये मुझे दोबारा तो नहीं हो जाएगी, एक दफ़ा निकालने के बाद ये मुझे दोबारा तो नहीं होगा। अच्छा, अब ये फाइब्रॉइड्स लफ्ज़ जो है मोस्टली इसका दूसरा नाम लियोमायोमा है या मायोमा, ठीक है। ये क्या होता है कि थोड़े से जो आपके रहम के ही मसल्स हैं उन्हीं की वहाँ पे एक गिल्टी सी बनती है, और फिर ये गिल्टी जो है आपके हार्मोनल, आपके बॉडी के हार्मोनल इन्फ्लुएंस के अंदर बड़ी होना शुरू हो जाती है, और बाज़ लोगों में ये बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है, बाज़ लोगों में ये छोटी ही रहती हैं, बाज़ लोगों में ये मल्टीपल होती हैं, बाज़ लोगों में एक सिंगल बहुत ही बड़ा बन जाता है। तो ये चीज़ें मुख्तलिफ़ लोगों में मुख्तलिफ़ तरीके से प्रेजेंट करती हैं। तो ये, लेकिन एक चीज़ मैं इस वक्त बताती चलूँ जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि ये रसौलियाँ ज़्यादातर केसेस में नॉन कैंसरस होती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप दिमाग में रखें कि ज़्यादातर केसेस में ये रसौलियाँ नॉन कैंसरस होती हैं, सिर्फ 1 in 2000 लोगों में ये रसौली कैंसरस बन सकती है, जिसको सार्कोमा कहते हैं, ठीक है। लेकिन बाकी जो लोग हैं उनमें ये ज़्यादातर नॉन कैंसरस होती हैं, ठीक है। आमतौर पे इनके अंदर कभी कभार कोई चीज़ चेंजेस आ जाते हैं, वो चेंजेस डीजेनरेटिव चेंजेस कहलाती हैं, बाज़ दफ़ा इनमें हाईलाइन डीजेनरेशन हो जाती है, बाज़ दफ़ा इसमें सीरस और मिक्सोमेटस चेंजेस आ जाती हैं, बाज़ दफ़ा इनके अंदर डीजेनरेशन हो जाती है, बाज़ दफ़ा ये मतलब कैंसरस चेंजेस जो हैं वो बहुत ही कम हैं, बस वह ये बड़ी तेज़ी से ग्रो करते हैं हार्मोन्स के इफ़ेक्ट में, ख़ासतौर पर जो ईस्ट्रोजन हार्मोन है जो कि फीमेल हार्मोन है, इसके इफ़ेक्ट के अंदर ये बहुत तेज़ी से ग्रो करते हैं। तो आमतौर पे जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की औरतें हैं, ख़ास तौर पे जो डार्क नस्ल की औरतें हैं, मतलब जो हमारे एशियन पॉपुलेशन है, और जो जो नाइजीरियन लोग हैं, अफ्रीकन लोग हैं, इजिप्शियन लोग हैं, इन सब में ही फाइब्रॉइड्स जो हैं बहुत ही कॉमनली फाउंड प्रॉब्लम है, ठीक है। अच्छा, अब हम चलते हैं कि आखिर ये क्या, इसका पता कैसे चलेगा कि आपको फाइब्रॉइड्स हैं ना। ज़्यादातर कंडीशंस में, यानी कि ज़्यादातर लोगों में ये बिल्कुल ही एसिम्प्टोमेटिक होते हैं। एसिम्प्टोमेटिक का मतलब है कोई कॉज, कोई भी सिम्टम्स नहीं कॉज करते, इसलिए आपको पता ही नहीं चलता कि आपके अंदर फाइब्रॉइड्स हैं, ठीक है। लेकिन बाज़ लोगों में ये काफ़ी ज़्यादा सिम्टम्स कॉज करते हैं, बाज़ लोगों में ये ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग कॉज कर देते हैं, बाज़ लोगों में ये बहुत ज़्यादा बड़े हो जाते हैं, बाज़ लोगों में ये उसकी वजह से प्रेशर सिम्टम्स होना शुरू हो जाते हैं, बाज़ लोगों में ये इतने बड़े हो जाते हैं कि यूरिनरी प्रॉब्लम होना शुरू हो जाते हैं कि बार बार यूरिन आ रहा है, प्रेशर हो रहा है, बाज़ लोग ये बैकवर्ड यूरेटर्स के ऊपर प्रेशर डालना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से यूरेटर जो है वो दबना शुरू हो जाता है, और उसकी वजह से पीछे किडनी के अंदर पेशाब रुकना शुरू हो जाता है, किडनी बड़ी होना शुरू हो जाती हैं, तो ये उस तरह से सिम्टम्स कॉज करना शुरू हो जाते हैं। बाज़ लोगों में ये अगर रहम के अंदर हो, यानी कि अगर लाइनिंग ऑफ द वूम के अंदर है, यानी कि वूम की कैविटी के अंदर लटके हुए हैं, तो ये बाज़ दफ़ा मिसकैरेजेस भी कर सकते हैं। तो अब ये सारी चीज़ें, और फिर उसके अलावा बाज़ दफ़ा अगर ये बहुत बड़े हो जाएं तो ये बाज़ दफ़ा ट्यूबे ब्लॉक कर देते हैं, अगर ये इतने ज़्यादा मल्टीपल हैं तो ये फिर उसकी वजह से बाज़ दफ़ा बच्चा होने में भी बहुत से प्रॉब्लम होना शुरू हो जाते हैं। तो अब हम मुझसे पूछेंगे कि आखिर हम इसका क्या इलाज करें, और ये क्या कोई ऐसी चीज़ है कि हम कह सकें कि ये इससे कम्प्लीटली आपको कभी फाइब्रॉइड नहीं होंगे। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट सवाल है, और इसका जवाब भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। अब
फाइब्रॉइड्स को ट्रीट करने के बहुत से तरीके हैं, और हम हर डिफरेंट एज ग्रुप में हम एक डिफरेंट मैनेजमेंट ऑप्शन रखते हैं, ये मद्देनज़र रखते हुए कि आया इस औरत की फर्दर डिमांड क्या है। अगर सपोजिंगली आपकी उम्र तकरीबन 40-45 साल है, आपकी फैमिली कंप्लीट हो गई है, आपके अंदर बड़े बड़े फाइब्रॉइड्स हैं और आप चाहती हैं कि आप उनको निकलवा दें, तो हम आपको ये ऑफ़र करेंगे कि आप फाइब्रॉइड्स निकलवाने के बजाय आप रहम को ही निकलवा दें, इसलिए कि आप फैमिली पूरी कंप्लीट हो चुकी है आपकी और अब फाइब्रॉइड्स को खाली निकलवाने का फ़ायदा कोई नहीं, क्योंकि फिर दोबारा फाइब्रॉइड्स मुमकिन है हो जाएं, ठीक है ना। तो अगर वो दोबारा हो जाएंगे तो फिर आप उसी सिचुएशन में होंगी। तो अगर आप 45 साल से लेके 48 साल तक आपकी उम्र है और आप बच्चे पैदा कर चुकी हैं और आपने फर्दर बच्चा नहीं करना, तो उस वूम को रखने की तो ज़रूरत ही नहीं है कि जिसमें इतने सारे फाइब्रॉइड्स हैं, तो फिर हम ये कहेंगे कि आप इसको निकलवा दें अगर ये आपको प्रॉब्लम्स कॉज कर रहे हैं। लेकिन अगर ये फाइब्रॉइड्स आपको कोई प्रॉब्लम नहीं कॉज कर रहे, आपकी उम्र तकरीबन 48-49 के करीब है, या आपकी माहवारी बंद हो गई है और ये आपको किसी किस्म का कोई मसला नहीं दे रहे, तो आप इनको छोड़ सकती हैं, क्योंकि जैसे जैसे आपकी हार्मोनल चेंजेस आती हैं तो फाइब्रॉइड भी श्रिंक होना शुरू हो जाते हैं। जब आप मीनोपॉज में चली जाती हैं तो क्या होता है कि ये फाइब्रॉइड्स छोटा होना शुरू हो जाते हैं और आमतौर पर ये श्रिंक हो गए बिल्कुल ही छोटे रह जाते हैं। तो वो औरतें जो कि मीनोपॉज के करीब हैं, जिन्हों की फैमिली कंप्लीट हो चुकी है और जिनको ये फाइब्रॉइड्स कोई सिम्टम्स नहीं कॉज कर रहे, उनको तो हम ये एडवाइस करेंगे कि आप इनको छोड़ दें, लीव इट अलोन। अगर आप ज़्यादा वरीड हैं तो आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट के थ्रू इनका फॉलोअप कर सकते हैं। आप हर 6 महीने बाद या साल बाद एक अल्ट्रासाउंड करवा के इनका साइज दिखवा सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई वो मैनेजमेंट जो कि उन लोगों के लिए हैं जो कि उस एज ग्रुप में हैं कि जब उनको फर्दर बच्चा नहीं चाहिए। अब आते हैं उस एज ग्रुप की तरफ कि जिनको बच्चा चाहिए, यानी कि फर्टाइल एज ग्रुप की औरतें और जिनको बच्चा होने में कोई दुश्वारी पेश आ रही हो। तो सबसे पहले तो हमें इसमें ये देखना होता है कि फाइब्रॉइड किस जगह पर लोकेटेड है, उसकी जगह क्या है, क्या उसको निकालने से आपको फ़ायदा होगा, ठीक है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल है जो आपको अपने गायनेकोलॉजिस्ट से भी करना चाहिए, और आपके गायनेकोलॉजिस्ट को कोई भी आपका मैनेजमेंट प्लान देने से पहले इसको क्वेश्चन करना चाहिए कि आया इस फाइब्रॉइड को निकालने से आपको फ़ायदा होगा या नहीं, ठीक है। सिर्फ ये नहीं कि चूँकि फाइब्रॉइड है तो हमें इसको निकलवाना है, नहीं, ये सवाल गलत है, ये चीज़ गलत है, क्योंकि अगर ये फाइब्रॉइड रहम के बाहर के हिस्से में है और चाहे ये जितना बड़ा भी है, अगर ये आपकी ट्यूब्स को नहीं छेड़ रहा, अगर ये आपकी ट्यूब्स खुली हैं और वहाँ से आपको प्रेगनेंसी आराम से हो सकती है, अगर आपको कोई ये रिकरेंट मिसकैरेजेस नहीं कर रहा, तो आप इसको छोड़ दें। फिर क्या होगा, आप आराम से प्रेगनेंसी करें और फिर जब ज़रूरत हो उस वक्त इसको निकाल दें, क्योंकि अगर आप इसको अननेसेसरी छिड़वाती हैं तो होगा क्या कि जब फाइब्रॉइड का ऑपरेशन करते हैं, जिसको हम मायोमेक्टमी कहते हैं या फाइब्रॉइड रिमूव करने का ऑपरेशन कहते हैं, उस दौरान बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो सकती है, और चूँकि ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है तो क्या होता है कि जिस्म आपस में बहुत ज़्यादा चिपक जाता है, आमतौर पर सारी आंतें और आपकी जो ट्यूब्स हैं वो सब एक मैस बना देती हैं, और बाद में फिर प्रेगनेंसी होने में बहुत दुश्वारी होती है। मेरे पास हज़ारों के हिसाब से ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिन्होंने फाइब्रॉइड्स निकलवाया और उनके बाद उनके बच्चे नहीं होते, और फिर अगर हम उनको ऑपरेट करना चाहें, उनकी ट्यूब्स को रिलीज़ करना चाहिए, तो वो इस जिस्म उनका इस हद तक आपस में चिपका हुआ होता है और जुड़ा होता है कि वो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल ऑपरेशन बन जाता है। तो इसलिए मैं ये एडवाइस करती हूँ कि हर गायनोकोलॉजिस्ट को अपने पेशेंट को बड़ा केयरफुली, बड़ा थरली असेस करके फिर फैसला करना चाहिए कि आया हम इस फाइब्रॉइड को ओपन ऑपरेशन के ज़रिए निकालें या नहीं, ओके। अच्छा, तीसरा वो ग्रुप है जिसके अंदर फाइब्रॉइड्स रहम की कैविटी के अंदर लटके हुए हैं। अगर तो फाइब्रॉइड रहम की कैविटी के अंदर लटके हुए हैं तो फिर उनको निकालना बड़ा ज़रूरी है, या अगर वो बहुत ज़्यादा अंदर की तरफ, यानी कि जो लाइनिंग ऑफ द वूम है उसके साथ आए हुए हैं
और रहम का सरफेस एरिया बहुत बढ़ा रहे हैं कि जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, तो उस सूरत में ऑफ कोर्स इसको निकलवा देना चाहिए, क्योंकि फिर ये बहुत प्रॉब्लम, ये सिम्टोमेटिक हैं और ये प्रॉब्लम करते हैं। अगर अंदर हैं तो ये बाज़वा मिसकैरेज भी कर सकते हैं। तो अगर खुदा ना खास्ता आपको ऐसा कोई मसला पेश आ रहा है कि रिकरेंट मिसकैरेजेस हो रहे हैं या रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस हो रहा है, तो आपको इनको फौरन निकलवा देना चाहिए। फिर एक और चीज़ है जो कि मेरे पेशेंट्स जो हैं बड़ा कॉमनली आस्क्ड मुझसे पूछते हैं कि डॉक्टर साहब क्या फाइब्रॉइड्स की इसके अलावा और कोई ट्रीटमेंट नहीं है? नहीं, इसके अलावा भी बहुत सी ट्रीटमेंट्स हैं और वो कहलाती हैं यूट्राइन फाइब्रॉइड एम्बोलाइजेशन या UFE। उसमें क्या होता है कि हम अल्ट्रासाउंड गाइडेड और या एक्सरे गाइडेड एक ड्रग जो है या इन इन ये जो फीडिंग वेसल्स होती हैं फाइब्रॉइड्स की, इनको ब्लॉक कर देते हैं, और जब ये ब्लॉक हो जाती हैं तो वो फाइब्रॉइड्स मर जाते हैं या वो वहाँ पे डीजेनरेट हो जाते हैं, और जब वो डीजेनरेट हो जाते हैं तो उसके बाद वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं बॉडी में। लेकिन एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताती चलूँ जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और आपके गायनेकोलॉजिस्ट को आपको कम्प्लीटली इस प्रोसीजर के बारे में काउंसिल करना चाहिए। वो ये है कि ये प्रोसीजर बाज़ दफ़ा इसमें आपको बहुत पेन भी हो सकता है, मतलब उसके बाद प्रोसीजर के बाद आपको बहुत पेन भी हो सकता है, प्रोसीजर के बाद आपको बुखार भी चढ़ सकता है प्रोसीजर, क्योंकि ये जब फाइब्रॉइड नेक्रोज होता है या ये जब डीजेनरेट होता है तो ये बड़ा पेनफुल हो सकता है। तो फिर किस तरह से फॉलोअप होना चाहिए, ये सब चीज़ें आपके गायनेकोलॉजिस्ट को आपसे डिस्कस करना चाहिए। उसके अलावा कुछ मेडिकल मैनेजमेंट भी मौजूद हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जितने भी ड्रग्स अब तक इंट्रोड्यूस किए जा चुके हैं फाइब्रॉइड की मैनेजमेंट के लिए, वो उनके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए वो ज़्यादातर जो है वो मार्केट से उठा लिए गए हैं। कुछ मेडिकेशंस ऐसे भी हैं जिसमें हम आपको कंप्लीट मीनोपॉज में ले जाते हैं, तो उसके बाद फिर चूँकि आप मीनोपॉज में होती हैं तो बॉडी का ईस्ट्रोजन प्रोड्यूसिंग हार्मोन जो है वो कम होता है, तो उसकी वजह से आपका फाइब्रॉइड का साइज़ भी थोड़ा छोटा होना शुरू हो जाता है। लेकिन ये मैनेजमेंट ऑप्शन सिर्फ उन लोगों के लिए हैं जिनको शॉर्ट अरसे की ट्रीटमेंट चाहिए और उसके बाद फिर फाइब्रॉइड को निकाल दिया जाए, फाइब्रॉइड को सर्जिकली निकाल दिया जाए। तो ये तो वो चीज़ें हैं। अच्छा, फिर अब जैसे कि मैंने आपको कहा कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि अगर ये फाइब्रॉइड्स अगर ये आपको प्रॉब्लम्स कॉज कर रहे हैं, इस सूरत में आपको इनको फौरन निकलवा देना चाहिए। लेकिन प्लीज़ मेक श्योर करें कि आप किसी अच्छे कॉम्पिटेंट गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएं जो आपका प्लान जो है बड़ा केयरफुली बनाए, ताकि आपको अननेसेसरी ऑपरेशंस ना करवाना पड़े, आपको अननेसेसरी इंटरवेंशन ना करवानी पड़े। थैंक यू।